टांग जुड़ गई है माशाल्लाह से, देखें कैसी चल रही है, बिल्कुल नहा लिया है जिसने। ओ, ओ, ओ। बकरी देखें कि कहाँ पे चढ़ के खा रही है, ये क्या सीन है यार, ये गए कबूतर। चलो चलो देखें व्यू कितना प्यारा आ रहा है। इतनी जो है ना अल्लाह की मखलूक है इधर जंगल में, सारी जल के राख हो जाती है, चिड़ियों के बच्चे, परिंदे, जानवर, सारे जानवरों का तो खाना पीना हो गया, नहा धो रहे हैं और अभी मेरा अपना नंबर है। अब माशाल्लाह से अंडा भी दिया हुआ है जी, इसीलिए तो काट रही है, चेक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक जी, दो वीक बाद वीडियो आने लगी है, उसकी वजूहत आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इस पे आपको भरपूर एंजॉयमेंट मिलेगी। इन दिनों तो थोड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है, इंशाल्लाह जैसे ही फुर्सत मिलती है तो रेगुलर व्लॉग आएंगे। अभी यह है कि आपको पता है दूसरा जो मेरा चैनल है मुदस्सर बशीर टीवी, उस पर आपको भरपूर शो करवा रहा हूँ। दो वीक बाद मैं घर आया हूँ वापस, ठीक है। इधर से मैं चला जाता हूँ टैक्सला मामू के पास, रुक जाता हूँ उधर, पता है व्लॉग बनाने का कोई सीन इस तरह का है नहीं। कोशिश करूँगा उधर का भी कोई माहौल वगैरह दिखाऊँ, लेकिन सिटी में क्या आपको शो करवाऊँगा और क्या नहीं। इधर अपने गांव में आता हूँ, कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ। कुछ गुड न्यूज़ हैं, कुछ बैड न्यूज़ हैं, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो जुड़िए रहिएगा एंड तक। बकरियाँ तो मेरी गई हैं बाहर सारी घूमने फिरने के लिए। एक गुड न्यूज़ ये है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की गुड न्यूज़ है कि मेरी बकरी की टांग जुड़ गई है माशाल्लाह से, देखें कैसी चल रही है, बिल्कुल पांव रखे। ये देखें अभी भाग भी रही है माशाल्लाह से, आपकी दुआओं से माशाल्लाह से टांग इसकी जुड़ गई है। कैसे जुड़ी है, सेट भी करवाई थी, वो जो हड्डी पट्टे जोड़ते हैं ना, वो बाबा फूरा है, वो अपनी बकरियों की बांधता रहता है टांगे, इसकी भी उससे बंधवाई थी। अरे जंगली जो है ना, इसको दिया था शिमलू, उसके साथ जो है ना इसकी रिकवरी हुई है। एक हमारे भाई ने कमेंट भी किया था, और वैसे भी हमें पता था पहले का, तो उनका कमेंट करने का भी शुक्रिया। तो माशाल्लाह से हमारी बकरी रिकवर हो गई है, थोड़ी कमज़ोरी में है लेकिन अभी चलना फिरना स्टार्ट कर दिए तो फिट हो जाएगी। कबूतर मेरे उठते ही जो है ना निकाल दिए गए थे, मैं तो उठा हूँ, नहाया है, थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, आँखें खुली हैं, व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये वो वाइट वाले, इनका तो जोड़ा सेट हो गया है, तो दूसरा जोड़ा ये बैठा हुआ है। ये कबूतरी निकल नहीं रही है, जिस टाइम से मैं देख रहा हूँ कबूतर ऊपर बैठा है, कबूतरी काटती भी है। अरे अरे माशाल्लाह से अंडा भी दिया हुआ है जी, इसीलिए तो काट रही है, चेक करें। माशाल्लाह पहले एक दिया था वो तोड़ दिया था, पता नहीं मुर्गियां अंदर गई हैं कि सारे कबूतर घुसे हैं। ये दूसरी जो है ना पेटी लगी हुई है, वो जो ऊपर जोड़ा बैठा हुआ है ना भाई, इधर भी एक अंडा पड़ा हुआ है। वाह माशाल्लाह, पहले तो एक था वो तो तोड़ दिया है इन्होंने, वो इस वाले जोड़े का। और ये जो फुल वाइट वो ऊपर तार पे बैठा हुआ है पेयर, ये उसके अंडे हैं और ये इस पेयर का अंडा है। ये थी दो गुड न्यूज़। अरे मुबशर ने जो कबूतर पकड़ा है वो दिखाता हूँ, और उसके अलावा निकालते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। निकलो जी भाई, ये गिफ्ट आया था हमारे लिए, बेंगम ब्लैक एंड वाइट जोड़ा लग गया ये। इस मुर्गे को दूसरे जो काला बेंगम मुर्गा है ना उसने धाबे कर दिए, कल उसको मारिए गर्दन में एक टांग आया है, ये उधर टांग करके बस डर गया उससे, अभी निकालूंगा तो वो मारेगा इसे। ये तो इसके मेरे टांगों में मुझे मसला लग रहा है, टांगों से कमजोर है ये। टांगों में कमजोरी है इसके, अभी निकालूंगा तो उसकी वो मार मार के उसने तबाही निकाल देनी है। इसको भी थोड़ी देर पिंजरा खोलते हैं, बाहर निकले खाना पीना कर ले, कबूतरों को दाना ऊपर ही डाल देता हूँ, नीचे मुर्गे नहीं खाने देंगे। या जी जी बकरे को नहलाने लगे आज टैंकी पे, क्योंकि आपको पता है बारिशें हैं कोई नहीं, तो नीचे पानी खुश्क हो चुका है, जरा टैंकी पे ही नहलाएंगे। नहाने से ये होगा बकरा ज़रा ठंडा हो जाएगा, खाए पिएगा सही, गर्मी की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। नहा लिया जिसने, ओ, ओ, ओ। चल छोड़ दिस रस्सी, उठते साट दिस, इतना खुश हो गया नहा के। हाँ जी ओ गैस पीटें लगा के, ओ मल निकल गई, बच्चा कितना क्यूट है बकरी का। जानवर वेटिंग में है कि मारी रस्सियाँ निकले और हम जाएं चराई करने के लिए। चराई बेचारी उस गाय ने कल बच्चा दिया उधर जंगल में छोड़ के आ गई, मर गया उधर से मिला है मरा हुआ ऊपर।
पिछली मरतबा भी ऐसे ही किया था, इस मरतबा भी। बकरी जब से टांग टूटी है तकरीबन मेरे ख्याल से एक महीना लगभग हो गया है, आज नहलाने लगे हैं क्योंकि काफ़ी बेचारी कमज़ोर और गर्मी की वजह से लागर हुई पड़ी है। सेट हो जाएगी अभी, टांग जुड़ गई है ना, तो वो तो सुबह पहले ने लाया है उसको, अभी इसकी बकरी ये नहा ले। जानवरों का तो खाना पीना हो गया, नहा धो रहे हैं और अभी मेरा अपना नंबर है, अपने लिए अभी लस्सी तैयार कर रहा हूँ सुबह सुबह, चाय शाय छोड़ दी है, लस्सी पे गुजारा करेंगे। मैं से भी अगर किसी ने पीनी है लस्सी तो आ जाए, तो लस्सी मेरी जो है रेडी हो गई है, पी के निकलते हैं फिर बाहर की सूरत हाल देखते हैं। आज दिन को तो व्लॉग बनता कोई नहीं है, धूप बड़ी साफ होती है। बकरी साफ सुथरी हो गई है, नहा धो गए, कावे की बकरियां जा रही हैं चरने के लिए, जा रहे बाबा। हाँ गर्मी बहुत हो गई है, वो तो सुलो मंदे आ गई आला, बकरियां अच्छी घट भी लगनी इनके चकोरे है। किधर चाड़ने होने ऐसे साइड दे, पानी कितों पीना, ओके आले ठीक हो आला। ये जो मैं हरीपुर से अकील भाई से लेके आया था, इसका सीन ये है कि इसको डिहाइड्रेशन हुई थी, गर्मी लग गई थी, काफ़ी बीमार है, अभी टांगों से कमज़ोर हो गया है, ठीक है, मरते मरते बच्चा है, तो अभी इसको खुराक वगैरह अच्छी देंगे तो उसको फिट हो जाएगा। वो ऊपर बैठे हैं, सुबह तो उड़ते रहे हैं, अभी बैठ गए हैं ऊपर। ये हलियास भाई का गिफ्ट, उधर तो बेचारा एक छोटे से कमरे में घूम रहा था पिंजरे में, इधर माशाल्लाह से देखें इसके साथ कितनी मुर्गियाँ शुर्गियाँ मिल गई हैं, इसको याशी बन गई है इसकी, बड़ा जालम निकला है, साथ गया हमसायों के घर, एकदम से मारा है उसके चेहरे पे और आंख उसकी निकाल दी है, इसके काले कील है इतने इतने बड़े, देखने में ये देसी नज़र आ रहा है लेकिन जो शौकीन है वो समझते हैं बेंगम क्या चीज़ है। तो इसका जोड़ा असल फिट हुआ था, वो मेरी वाइट जो है ना मुर्गी की तरह, वो सामने है ये वाली, इसके साथ जोड़ा फिट कर लिया है, अभी हो सकता है वन डे भी डाले इसी मुर्गे के साथ, अगर डाले तो बड़ा मज़ा आएगा। ये इलियास भाई का गिफ्ट है हमारे लिए, लाग शरीफ रहा था, गया उधर मोहल्ले वालों के घर पे, तो उन्होंने समझा, उन्होंने कहा वैसे ही आस्ट्रल आप आ गया किसी का, तो कोई नहीं मारे मुर्गे, कुछ नहीं कहता, एक मारी उसकी आंख निकाल दी है, मैं गया थे राख, मैं तो खुद घर ही नहीं था, अभी आया हूँ मैं, रात को 9 बजे घर पहुँच जाऊँ तो बताया है। बड़े प्यारे प्यारे बकरियों के बच्चे घूम रहे हैं, ये 2, 3 और 2, 5 बच्चे माशाल्लाह से, ये सारे के सारे मेरे ताया अबू के हैं, ये भी मैं बता दूं। इधर से ये पिछले दिनों रमज़ान में चाचू की मेरी बकरी नीचे गई है, हलाल तो कर दी थी, अभी उसका बच्चा रह गया, वो मैंने दिखाया भी था आपको लाल कलर वाला, इनको भी पीछे मारूं ये ना हो, ये भी नीचे लुढ़क जाए, माशाल्लाह से आया कितने प्यारे प्यारे, चलो ये देखें जोड़ी कितने मज़े की है, ये पाँचों के पाँचों जो है ना ताए के मेरे, अभी इनको पता तो नहीं है बच्चे हैं, वो बड़ी बकरी थी वो नीचे चली गई, ये कहाँ रुकेंगे, एकदम से आगे होंगे खाने के लिए, रुक नीचे, इन्होंने बचना भी कोई नहीं है। जाओ अब घरों को वापस नहीं आना, अपने मुर्गी चूज़े लेके इधर खुली घूम रही है, सबसे बड़ा गाँव का बेनिफिट यही है, चूज़े निकलवा के मुर्गी के साथ छोड़ दो, दिल्ली शिल्ली ना हो ना तो अच्छे पल जाते हैं, अभी माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ काफ़ी फिट जा रही है, जंगली हो गई हैं अभी, देखें कैसे भाग गए हो गए। तो घर के जो ना शौक की तो अपडेट आपको मिल गई है, अभी जाके दिखाते हैं आपको मुबशर ने जो कबूतर पकड़ा है, क्या चीज़ पकड़ी है, 2 नंबर आ जाए, 1 नंबर आए वे गिरने लगा था, ये वाला कबूतर पकड़ा गया है जी, ओ तक खम काट देते नहीं पर काट दिए इसके पट्टे ने कटे ने निकाल दिए हैं, ये दोबारा नहीं निकालेगा, काफ़ी बड़े साइज में है, आँखें इसकी कैसी हैं, ब्लैक कलर की लग रही हैं कि लाल कलर की,
फुल लाल कलर की आंखें हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है जी, अच्छे साइज में है, काफ़ी लेंथ है इसकी, और पाँव पे इसके पर भी हैं, और इसको बड़े मज़े की वो पड़ी हुई है छड़ंग छड़ंग करने वाली कड़ी सी। बकरी देखें कि कहाँ पे चढ़ के खा रही है, ये क्या सीन है यार। मैं जा रहा था इधर पास से गुजर के, तो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या सीन है, ऊपर से अगर आगे नीचे लगे तो बकरी की टांगे शांगे टूट जाएंगी, मेरी भी शायद ऐसे ही गिरी हो। ये देखें अभी बकरियों के काम, ऊपर से देखें इतनी बुलंदी और बिल्कुल आफ में खड़ी है। एल भाई कहते हैं कि आप हमारे शेरू की अपडेट नहीं देते, तो ये है जी शेरू, उठो जी उठो उठो, ये देख लें जी उठ गया है। ये शेरू की बहन, ये तो माशाल्लाह से हाइट लेंथ तो काफ़ी बना रहा है, सेहत सेहत फिलहाल पकड़ रहा। ओ हमारे कुर्बानी का जानवर, उसका अलग से शौक होगा इंशाल्लाह व्लॉग में ईद के बिल्कुल करीब। ये गए कबूतर, बैग ही नहीं, और सारे ना बैंड, चलो 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 चलो। देखें व्यू कितना प्यारा आ रहा है, सूरज बिल्कुल पहाड़ों के पीछे, और कबूतर जब सामने आएंगे सूरज के फिर देखिएगा। ये नहीं अभी नहीं, उस साइड भाई असल मसले मसाइल ये हैं, आग लगा लगा के जंगल की तबाही कर दी। ये देखें ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है, जालिम लोग हैं। अभी बारिशें इसी वजह से नहीं हो रही, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं आसमान वाला तुम पे रहम करूँगा। लेकिन ये जो है ना ज़मीन वालों पे क्या जी, इस जब आग लगाते हैं आप खुद हिसाब कर लें कितनी जो है ना अल्लाह की मखलूक है इधर जंगल में, सारी जल के राख हो जाती है, चिड़ियों के बच्चे परिंदे जानवर सारे। ये देखें अभी बाकी सारी ग्रीनरी ये ऊपर क्या जो है ना जला के हालत कर दिया है, पता नहीं मिलता क्या इस चीज़ से। एक जान ही हमारी साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी बचत थोड़ी लगी है, और ऊपर से महकमे का भी कोई नहीं ना इन पे जो है ना कोई एक्शन, सारे जो है ना आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात हैं। ये सामने देख सकते हैं ये सारी जगह जल गई है, उसके अलावा उस साइड पे ये सामने नज़र आ रहे होंगे सारी जगह जल के राख हो गई है, सामने लगी हुई भी है आग। ये देखी रही अगर तो ड्रोन कैमरा कभी आया मेरे हाथ तो आपको पूरे इलाके का ड्रोन कैमरे से व्यू करवाऊंगा, इस साइड से घुमा के नीचे जब पानी आएगा ना, अभी तो नहीं ये सावन में जाके आना है अभी फुल, तो इधर से घुमाए बंदा कैमरा यूं, अभी तो ये समझे मैं ड्रोन ही बना हूँ छत पे बैठा हूँ, तो पूरे इलाके का जो है ना व्यू आ जाएगा। तो ट्रक ड्राइवर साहब नहीं सॉरी मुबशर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि कबूतरों के शिकारी हैं। कितने कबूतर पकड़ लिए हैं जी अभी तक, चोरी है। एक तो मैंने सुबह दिखाया था वो फैंसी टाइप जो है ना बड़ा खूबसूरत कबूतर था, कवे की तरह बड़ा सा ब्लैक कलर का, सुबह कड़ा पकड़ी वो मैं नहीं दिखा सका, वो मुझे नहीं पता था इसने पहले भी कोई और भी पकड़ा है, मुझे इसका पता था काला इसने पकड़ा है कबूतर, मैं रात को जब वापस आया तो पता चला है, मेरे तो खरगोश खा गई है बिल्ली, बड़ा अफसोस हुआ। दो पहले गुम हुए थे, मैंने कहा बंदा शायद उठा के ले गया हो, लेकिन परसों रात को मैं घर नहीं था, मुझे बताया गया है कि आइए बिल्ली घर से उठा के चली गई है, तो बिल्ली का भी इलाज करते हैं, पहले एक मरतबा किया था उसके बाद आई नहीं हमारे घर कभी भी, फिर इंशाल्लाह नहीं आएगी। कुत्ता भी नहीं है ना मेरे पास, कुत्ता रखने की जगह नहीं रहेगी, इधर बकरियाँ बड़ी मुश्किल से रखनी है, कुत्ता कहाँ रखेंगे। और बाहर मेरे पीछे ये नज़र आ गई खाई, ज़रा सा आगे जाए नीचे गुड़ूम आना टाइम, तो एक मरतबा सुबह एक मरतबा शाम को, दो टाइम डालते हैं बस। और ये तो बेचारी बीमार सी रही है, टांग टूट गई थी, ये देखें कैसा पेट भर के खा रही है टेडो, और माशाल्लाह से बकरा हमारा फुल रेडी है, अल्लाह पाक इसको ईद तक खैरियत से पहुँचाएँ। पिछली मरतबा भी हमारा बकरा लास्ट वीक बीमार हो गया था, सारा वजन जो है ना उसने तैयारी जितनी भी लगी थी वज़न गिरा दिया था। इसमें क्या क्या पड़ा है पता है आपको, ये इसमें भूसा है, चोकर है, और ये बाहर जो पत्ते छत्ते लगे हैं अरे वो हैं, खाल इसके अंदर है, टुकड़े हैं। अब देखें बकरा हम किधर देखने आ गए हैं, आए पैदल ही हैं, ये
बिल्कुल ये जंगल के साथ जो घर नजर आ रहे हैं उधर से हम निकल गए हैं, तकरीबन हमारे 10-1 मिनट लग गए हैं। हाय सांस ऊपर नीचे हो गया है, बादल बड़े प्यारे प्यारे, अल्लाह करे बारिश हो जाए, बड़ा इंतज़ार है। अब तो सोचा सा बस दम्मू पटो धुंध है चुगा चुग है करो उसमें मुंह दोबारा पढ़ रहा था सही नजर नहीं आई। चिगा हो गया चिगा बने आजकल पिंजरे चल गए उत्ते बने ही पिंजरा बना छोड़े आले थे ना यार ये खुद्दा सोना बने है उत्ते पिंजरा तो ये थे आजकल मॉडर्न काम हो गया ना पिंजरे वाला ये पुराना काम है। बकरा देख लिए जी पसंद आया बड़े मज़े का बकरा था चिगा लेकिन अच्छा खूबसूरत था, वज़न भी काफ़ी है बकरे के पास। देखते हैं अभी डिमांड क्या करते हैं अल्लाह खैर ही करे, इन दिनों तो डिमांड भी हाई हुई पड़ी है। उस दिन में आए हैं बैठे इस पठान को नाल लगे ने बड़िया मुड़ के नहीं सैट हुई आ रहे ओए ओए बगैर पैमी ना ये पैन है बाबा सोरकी मार सोरकी हाई मार पैन लगी ये हुन तक ना ये दुए दी गल ए मैंने बटे पीछे हां ये दुए को मी बटे पीछे वो तो चाड़ने है ना बचा है ना नहीं लोग है ना बच्चे पिछले कुछ आखना है को लाने पैर मूह रखे ना फिर पौकना दोस्तों आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, काफ़ी दिनों बाद बनाया है तो एक रूटीन नहीं बन रही, बंदा रूटीन के हिसाब से चलता रहना फिर डेली की बंदा रूटीन बताता रहता है। अभी मैं तकरीबन 2 वीक बाद बना रहा हूँ व्लॉग तो थोड़ा रूटीन बनते बनते बनेगी, तो रेगुलर तो नहीं अभी इन दिनों आएंगे तकरीबन ये पूरा 1 महीना उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।